अभी जो स्टार्ट करेंगे उसमें है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू जीरो हैज टू डिस्टिंक्ट इंटीजर रूट्स देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, बी की सभी पॉसिबल वैल्यूज हमने बतानी है कब, जब गिवन इक्वेशंस के रूट्स क्या हो इंटीजर। गिवन इक्वेशंस को अगर हम चेक करते हैं तो रूट्स की प्रोडक्ट सी बाई ए कितनी बढ़ रही है 72 और रूट्स को इंटीजर बताया है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स अगर इंटीजर है तो दोनों रूट्स इंटीजर लें तो किन दो इंटीजर वैल्यूज की प्रोडक्ट 72 बन सकती है। तो इसके फैक्टर करें हम, इंटीजर जैसे 1 ले हम तो 1 के साथ 72 यूज करेंगे तो ही 72 बनेगा, दोनों इंटीजर वैल्यू है यानी दो इंटीजर 72 प्रोडक्ट, एक तो पॉसिबल पेयर ये है दो इंटीजर्स का। अगर 2 लेते हैं 1 की बजाय दूसरा इंटीजर तो ये आएगा 36, दूसरा इंटीजर पेयर ये है जो प्रोडक्ट 72 दे सकता है। अगर 3 से डिवाइड करें इसको तो ये आ जाएगा 24, इसका मतलब थर्ड इंटीजर पेयर ये है। फोर्थ, 4 से डिवाइड हो रहा है ये फाइव से डिवाइड नहीं होगा 6 8 ये मैक्सिमम पेयर आ गया, फिर उल्टी स्टार्ट हो जाएगी वापस से, है ना। इसका मतलब ये अपने पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है, इनके साथ अगर पॉजिटिव 72 बनाना है तो या तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, दोनों रूट्स या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हमने यूज की है। इसी टाइप से नेगेटिव पॉसिबिलिटी यूज करें तो -1 के साथ -72, -2 के साथ -36, -3 के साथ -24, -4 के साथ -18, -6 के साथ -12 और -8 के साथ -9, ये सब भी कितनी प्रोडक्ट बनाएंगे 72। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट 72 है और दोनों ही रूट्स इंटीजर हैं तो इंटीजर वैल्यूज के पॉसिबल पेयर ये बनेंगे। तो बी की जगह जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती है, यहां से 73 दोनों रूट्स का सम। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, दोनों रूट्स के सम को। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो इसका मतलब सम के साथ माइनस यूज होता है, तो इसका मतलब अगर अपने पास अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसको। तो बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास नेगेटिव। अगर रूट्स 1 और 72 होंगे तो रूट्स का सम कितना बनेगा 73, और यहां अगर हमने माइनस करके यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 72 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, तो माइनस एस जो है वो बी की वैल्यू है और एस की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 73, तो माइनस एस कितना आएगा इसमें -73। अगर रूट्स 1 और 72 होते हैं तो बी की वैल्यू कितनी होगी -73, तो -73 पॉसिबल है यहां से, यहां से माइनस प्लस 73 बन जाएगी इस हिसाब से। तो यहां से इस अगर ऐसे ही बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू कितनी हो सकती है -38 प्लस 38 -27 प्लस 27, इस टाइप से हम बी की वैल्यूज बता सकते हैं इन सब के हिसाब से। तो कितनी वैल्यूज हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 इस साइड में 12 वैल्यूज पॉसिबल हैं बी की, और वे वैल्यू हम बताते जा रहे हैं। अगर पूछे तो कौन कौन सी हो सकती है -73 -38 -27 -22 -18 -27 और इस हिसाब से इस साइड में वही वैल्यूज जो इस साइड में बताई है वो पॉजिटिव भी हो सकती है।